हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एग ऑमलेट। इसे स्पेनिश ऑमलेट भी कहते हैं, पटेटो ऑमलेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पटेटो यूज़ होता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। पटेटो ऑमलेट बनाने के लिए हमें 2 मीडियम साइज़ के पटेटो चाहिए, आलू। ये देखिए, मैंने ये मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं। इनको पील ऑफ कर कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के लिए के बाद इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लीजिए और इसे पानी में डिप करके रख दीजिए, क्योंकि आलू जो होता है वो स्टार्च रहता है उसमें, तो वो काला हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इसमें डालने के लिए लिया है 1 छोटा सा टमाटर, जिसके सीड हटा दिए हैं, हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया, उनको मैंने काट के रख लिया है। और ये चिली फ्लेक्स हैं, ये कुछ अंडे लिए हैं। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले जो हमने कद्दूकस करके आलू लिए थे, कद्दूकस के उनका पानी हटा देंगे, एकदम पानी हाथ से निथार के और इस बाउल में डालते जाएंगे। ये देखिए, ये मैं इनका पूरा पानी एकदम से स्क्वीज करके पानी हटा के और बाउल में डालते जाइए। ये मैंने स्क्वीज करके लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें और रह गए हैं, वो भी हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सारे जो कद्दूकस के आलू लिए थे उन सबको मैंने थार के इसमें डाल लिया है एक बाउल में। अब उसके बाद इसमें मैं हरा कटा धनिया जो लिया था उसको मिक्स कर दूंगी। ये इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा हरी मिर्ची डालूंगी, ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है तो 1 या 2 लें, और अगर मीडियम है तो 2-3 ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पटेटो डाल दूँगी, सॉरी टमाटो डाल दूँगी। अब इसके बाद इसमें एग को मैं इस तरह तो तोड़ के डाल दूँगी। ये हम 4 अंडों की ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। 4 अंडों को इसी तरह तोड़ के मैं बाउल में डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने 4 अंडे इसमें डाल दिए हैं। अब इसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे, और हाँ, इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मिलाऊंगी मैं। ये चिली फ्लेक्स थोड़ा सा इसमें ये मैंने डाल दिया है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो इतना डाला है। और यहीं पर इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट एज़ पर टेस्ट नमक डाल दूँगी। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आप खाते हैं। अब इसे एक फोर्क की मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी। यहाँ पर आप विस्कर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, मैं आपको फोर्क से मिक्स करके दिखा रही हूँ। फोर्क से भी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इस तरह से इसकी जितना भी हमने मटेरियल लिया था इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसमें हम सारा के सारे मटेरियल मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है अच्छे से। बस अब हम बनाते हैं इसका ऑमलेट। एक पैन में हम थोड़ा सा, पैन गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। आप ये घी की जगह पर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप खाना पसंद करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम
जस्ट आधी क्वांटिटी ये बैटर डाल देंगे, तकरीबन 2 अंडों के लगभग, और इसको इसमें अच्छे से पैन में फैला देंगे। ये मैंने फोर्क की हेल्प से इसमें फैला दिया है अच्छे से। और जो हमने टमाटो और हरी मिर्ची काटी थी, टमाटर वगैरह, उसको हम इस तरह से जस्ट जैसे कि हम पिज़्ज़ा में करते हैं उसी तरह से इसके हम ऊपर इसको ऐसे ही लगा देंगे। यहाँ पर आप प्याज़ भी लंबाई में काट के प्याज़ भी लगा सकते हैं और कैप्सिकम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं, ये तीखी नहीं हैं ज़्यादा, और इस तरह से इसमें कर सकते हैं आप। इसमें प्याज जैसे कि आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं वैसे इसमें आप पूरी गार्निशिंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ऑमलेट के ऊपर। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये सारी। जब तक ये नीचे से पक रहा है हम इसमें टॉपिंग कर देंगे। ये मैंने लगा दी हैं इसमें मिर्चियाँ भी। आप टमाटर के साथ में आप प्याज भी ले सकते हैं, और शिमला मिर्च जो होती है उसको भी लंबाई में काट के इस पे लगा सकते हैं। और ये टमाटर वगैरह ये जो है आप लंबाई में या गोल अपने हिसाब से आप काट सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लंबाई में काटें, आप इसे गोल भी काट सकते हैं। हाँ, लेकिन टमाटर के सीड हटा दीजिएगा, टमाटर के सीड के सारे हटाने के बाद उसका यूज़ कीजिएगा। अब ये पक रही है, इसको पकने में 2-3 मिनट लगते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है इसको। देखिए इसको मैं, देखिए ये पक रही है, देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं आने लगा है, ये नीचे से अच्छे से पक रही है। हाई फ्लेम पर नहीं रखी, गैस का जो फ्लेम है वो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है इस पर ऊपर से हल्का सा, आपकी चॉइस है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है गैस का। लेकिन हाँ, गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा, क्योंकि ये लो पर अच्छे से पूरा पक जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी थिकनेस होती है इसमें, इसीलिए इसको लो फ्लेम में अच्छे से कवर भी कर सकते हैं आप। पर मैंने यहाँ विदाउट कवरिंग के आपको दिखा रही हूँ, विदाउट कवर करे भी ये बिना कवर के भी अच्छे से पकता है। देखिए ये तकरीबन पक चुका है। पकने का ये है कि आप पैन को उठा के इधर उधर करके देखेंगे तो ऊपर का जो बैटर है लिक्विड वो बहेगा नहीं, इधर उधर मूव नहीं होगा। उस कंडीशन में आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, मतलब पलट सकते हैं आप इसको। देखिए ये बैटर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, अब इसको मैं इससे पलट दूंगी। अब ये 2 से 3 मिनट, मतलब 2-3 सेकेंड ही नीचे से पकने के लिए टाइम लेगा, 2 मिनट से 3 मिनट के तकरीबन नीचे से पकेगा। भाई देखिए धुआं आने लगा इसमें से अच्छे से, और ये हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये पक गया है, इसको हल्का सा प्रेस करना चाहें तो आप प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये पक गया है इस तरह से, ये बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह लगता है। अब हम इसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये तो था एक तरीका पिज़्ज़ा की तरह, बच्चे आजकल पिज़्ज़ा की डिमांड कर सकते हैं तो आप बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं। और सेकंड जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो, जो भी हमने कटिंग की थी टमाटर की और जो प्याज, मैंने प्याज यूज़ नहीं की है, आप प्याज यूज़ कर सकते हैं, सबको बैटर में मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए, और पूरे मिक्स के साथ बैटर को पैन में डाल दीजिए, जैसे कि हम नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं वैसे भी इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये मैंने सारा मटेरियल था वो इसमें मिक्स कर दिया है, इन सब के साथ मैंने इसको पैन पर डाल दिया है। और ये सेम प्रोसेस सेम है पकने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑयल, घी, बटर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा बटर या ऑयल नहीं लगता है, सिर्फ ब्रशिंग होती है तो थोड़ा सा ही लगता है। यहाँ सेकंड मैं बना रही हूँ उसमें तो मैंने ज़्यादा किया लिया, बटर वगैरह का यूज़ नहीं किया है, पर आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं आप। ये देखिए अब ये भी पक रहा है।
ये ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए अब ये इस साइड से पक गया है। अब हम इसे हम फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे। ये थोड़ा सा रह गया है इस जगह पर, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं बह रहा है। 1-2 मिनट के बाद अब इसे मैं पलट दूँगी। देखिए ये हो गया है। ये देखिए मैं इसे ये पलट दिया। देखिए बस अभी पक रहा है। और इसमें अगर आपको लग रहा होगा जो हमने आलू डाले थे कद्दूकस, उनका तो पता भी नहीं लगता, तो बिल्कुल पक जाते हैं वो और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यकीन मानिए आप, बिल्कुल जैसे बच्चों के लिए मैदा वगैरह इतना हेल्थ के लिए नहीं अच्छा रहता, आप ये बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब अनहेल्दी चीज़ नहीं मिलाई है, मिक्स की है। ये देखिए अब दूसरी साइड से भी ये पक गया है, इसमें से धुआं आने लगा है, ये पक चुका है। देखिए अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैंने प्लेट में निकाल ली है, दोनों ही तरह से मैंने आपको बना के दिखा है। आप इसे ऑमलेट को हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, जैसे आप पसंद कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने खाते हैं वैसे आप खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने केचप के साथ दिया है बच्चों को। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।